अच्छा रेणुका, चलिए अब हम डायरेक्टली बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है आयुर्वेदिक ऑयल्स के बारे में और क्या उनका बेनिफिट रहता है हमारे शरीर पर, हमारी जिंदगी पर, उसके बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आयुर्वेदिक ऑयल्स के बारे में कोई भी सवाल पूछूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर रेणुका, ऑयल्स जो होते हैं वो एक इंसान के लिए और उनके शरीर के लिए आखिर क्यों जरूरी होते हैं, और ऑयल का फायदा क्या होता है, जो तेल होता है उसका उसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या होता है, अगर ये आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो एक मशीन है। जिस तरह से एक मशीन में हमें अच्छी तरह से उसको चलाना हो तो हमें उसका लुब्रिकेंट करना पड़ता है, यानी कि उसको ऑयलिंग करना पड़ता है। उसी तरह हमारा शरीर को अच्छे अच्छी तरह से चलाना हो या उसको अच्छा रखना हो तो उसको भी हमें बार बार ऑयलिंग करना पड़ता है। वो ऑयलिंग का जगह हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ऑयलिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देती हूँ तो खाने की जगह से भी हम ऑयल ले लेते हैं हमारे रूटीन लाइफ में, डेली रूटीन में। एक्सटर्नल में भी हम मसाज की जगह हम ऑयलिंग करते हैं। अगर आपको कोई डिजीज हो तो उसके हिसाब से हम मसाज की तरह अलग अलग ऑयल यूज करके हम सहन करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। तो ऑयल हमारा ऑयलिंग जो है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, वो हमारा मेन, हमारे बॉडी का बेस है। इधर एक बहुत एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जो लोग पुअर है, जिसके पास खाने की जो कोई चीज नहीं ला सकते, तो वो लोग क्या खाते है पता है आपको? वो हर रोज 50 ग्राम, 100 ग्राम जैसा ऑयल बाय करते हैं, परचेस करते हैं, और उसमें सिर्फ मिर्ची डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं और गुड़, तो एक बहुत अच्छा गुड़ तो हम हर रोज लाइफ में लेते हैं, उसमें सब न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो वो गुड़ और जवारे की रोटी खाते हैं या बाजरे की रोटी खाते हैं, तो भी उसका वो बॉडी है इतना सक्षम रहता है, इतना एनर्जिक रहता है कि उसको वो इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छा रहता है। उसके फूड में क्या है, सिर्फ ऑयल, गुड़ और बाजरे, मतलब दो तीन ही चीज है। तो ऑयल क्या करता है, हमारे बॉडी को लुब्रिकेंट करता है, यानी कि हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन है सबको सहन करता है, लुब्रिकेंट करता है। गुड़ क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। लेकिन अगर उसने गुड़ खाया लेकिन ऑयल नहीं लिया तो गुड़ का एब्जॉर्प्शन, गुड़ का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है, ओके। और बाजरे खाया तो तीनों चीज उसके हर रोज रूटीन लाइफ में आ गई, तो उसका बॉडी इतना हेल्दी रहता है। उसी तरह हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमें ऑयल चाहिए। हर रोज की दिनचर्या में हमारा जो सुबह का नाश्ता है या दोपहर का है या शाम का खाना है, हमारा जो भी फूड बनता है, पहले तो ऑयल हमें उसको ऑयल तो यूज करना ही पड़ता है। तो इस तरह से हमें हमारा बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऑयल की बहुत ही आवश्यकता रहती है। और साथ में कहीं ऐसे विटामिन भी है जो ऑयल ड्राइवर है, यानी कि ऑयल नहीं होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में अच्छी तरह से नहीं होता, यानी कि विटामिन के, ये जो हम ऑयल हमारे बॉडी में अच्छी तरह से नहीं होते तो वो ऑयल सोल्यूबल है, तो वो विटामिन के भी हमारे बॉडी में अच्छी तरह से ड्राइवर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, हो पाता, तो उसकी कमी आ जाती है। तो इस तरह से कई विटामिन का एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी हमें ऑयल चाहिए बॉडी में। तो ऑयल हमारे मेन बॉडी का बेस है।